Hey guys, welcome again and आज हम रिव्यू करेंगे क्वेकर ओट्स का। क्वेकर ओट्स एक बहुत ही फेमस ब्रांड है ओट्स का, क्वेकर, और ये बेसिकली अमेरिका बेस्ड कंपनी है और इंडिया में भी इसका प्रोडक्ट आता है। तो चलिए बात करते हैं ओट्स की। सबसे पहले कि ओट्स कौन कौन खा सकता है, क्यों जरूरी है और कितनी क्वांटिटी हमें इसे खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ओट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे आप उसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो उसका डाइजेशन स्लो होता है और वो पूरे दिन आपको एनर्जी देता रहेगा, फ्यूल आपकी बॉडी को पूरा दिन मिलता रहेगा। तो किस किस को जरूरी होता है ओट्स? सबको जरूरी है, लाइक कोई बच्चा है, बड़ा है या फिर बुजुर्ग है, कोई भी है, सबको एनर्जी चाहिए पूरे दिन के लिए। जैसे आप शुगर लेते हैं या फिर ग्लूकोज लेते हैं या कुछ भी अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो कि होल ग्रेन्स नहीं होते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो बेनिफिशियल रहता है, बेशक आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ऑफिस जाते हैं या फिर घर में भी रहते हैं, काम करते हैं, जिस भी तरह से आपका जो डेली रूटीन है, बेस्ट आपके लिए यही रहता है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट में लें, जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे और आप डाउन फील ना करें। तो अब बात करते हैं ओट्स की। ओट्स क्या है? ओट्स दलिया है और ओट्स दलिया है जेई का। जिस तरह गेहूं एक अनाज है, चावल है, इसी तरह जेई होता है। जेई के दलिये को हम ओट्स बोलते हैं और ओट्स पिछले काफी दिनों से कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है मार्केट में। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो शुरू से ही ओट्स खाने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ओट्स काफी कुछ टाइम से पॉपुलर होने लगा है, लोग इसकी तरफ ध्यान देने लगे। तो देखिए आप इमेज में, मेरे पास जो आज ओट्स है वो क्वेकर ओट्स है और वैसे ये वाला जो पैक है ये इम्पोर्टेड पैक है, इसको मैंने बाहर से मंगाया, यूके से आया ये। मैं देखना चाहता था कि जो इंडिया में क्वेकर ओट्स सप्लाई करता है और जो बाहर की कंट्री में करता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है बेसिकली, मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, ये भी मैंने खा के देख लिया। और इंडिया में जो पैकिंग मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर, ये पैकिंग इंडिया में आती है हमारे पास। मैं नॉर्मली यही पैकिंग यूज करता हूँ लेकिन इस बार मैंने इम्पोर्ट किया इसको, क्वेकर ओट्स को, यूके से, और मैं देखना चाहता था बाहर के ये कैसे हैं। तो दोनों सेम है तकरीबन। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन लेबल की। यहाँ सामने आप न्यूट्रिशन लेबल इसका देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और आप देखेंगे इसमें पर 100 ग्राम दिया हुआ है और पर 45 ग्राम दिया हुआ है। एक सर्विंग जो होती है ओट्स की वो 45 ग्राम्स की होती है, 45 से 50 ग्राम तक की आप सर्विंग ले सकते हैं। तो 45 ग्राम्स की जो सर्विंग है इसमें इन्होंने 320 ml स्किम मिल्क ऐड किया हुआ है और उसके साथ में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दी हुई है। तो ये प्लेन ओट्स की नहीं है, आप नीचे देख सकते हैं 45 ग्राम सर्विंग विद 320 ml स्किम्ड मिल्क। स्किम मिल्क वो होता है जिसमें से फैट रिमूव कर दिया गया हो या फिर 1 या 1.5% जिसमें फैट बचा हो, वो स्किम मिल्क बोला जाता है उसको। तो मिल्क के साथ में ये इसकी न्यूट्रिशन लेवल इसका दिया हुआ है। हमें देखना है बिना मिल्क के, वैसे अगर आप ओट्स को बिना मिल्क के कंज्यूम करते हैं तो भी पर 100 ग्राम जैसे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दी हुई है, इसमें से आप आधा करके 50 ग्राम्स की देख सकते हो अगर आप एक बार में ओट्स बनाते हैं, जैसे 45 to 50 ग्राम्स। तो इसमें एनर्जी आपको मिलती है 350 कैलोरी, जिसमें से अगर आप हाफ करते हैं तो देख लिए 125 के आसपास आपकी कैलोरी बनती है। और इसके बाद प्रोटीन आपको 11 ग्राम है, हाफ ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा अराउंड 6 ग्राम्स, 5.5 या 6 के करीब, 5.5 के आसपास। और कार्बोहाइड्रेट 60 है तो हाफ 30 ग्राम्स हो जाएगा, और फैट इसमें 8 ग्राम है तो हाफ इसका 4 ग्राम हो जाएगा, और फाइबर इसमें 9 ग्राम है तो हाफ इसमें हो जाएगा 4.5 ग्राम। 9 में से 4 ग्राम जो है वो सोल्यूबल फाइबर है और जो 5 ग्राम है वो इनसोल्यूबल फाइबर है। तो दोनों ही तरह के हमारे लिए जरूरी होते हैं बॉडी में। अब बात करते हैं कि कौन कौन खा सकता है, यानी कि पेशेंट्स भी कुछ खा, जैसे हर्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ओट्स बेटर रहता है, गेहूं से बढ़िया ओट्स रहता है। अगर ये आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको ओट्स बेटर रहेगा गेहूं के मुकाबले। या फिर
जिसको गेहूं से एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी उसको बोलते हैं, ग्लूटेन एलर्जी वालों को भी ओट्स बेनिफिशियल रहता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन फ्री होता है ओट्स से। तो आप ये क्वेकर का ओट्स ले सकते हैं। जो इंडियन पैकिंग है वो अराउंड 180 के आसपास का, 1 किलो का आपको मिल जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली पड़ा, मैंने बाहर से मंगवाया तो 500 ग्राम की कॉस्ट 450 रुपये है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, मैं भी नेक्स्ट टाइम से इंडियन ही यूज़ करूँगा। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए देख लिया कि लेके देखते हैं कैसा है। तो आप इंडियन ही लीजिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, और ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का रिव्यू ओट्स के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि इन फ्यूचर भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम देते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।